का जो यह वीडियो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी टीचरों के लिए जो पूरे इंडिया में शिक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, शिक्षण का कार्य इंदा कहीं ना कहीं उनका कोचिंग संस्था है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी करवाते हों। ठीक है, चाहे वो 10th 12th हो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो बिहार के कहीं के भी हो, वो सभी स्टडी मटेरियल बनवा सकते हैं। ठीक है, सन्नी कंप्यूटर के द्वारा, और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हैं अपने कोचिंग संस्थान में, वो ऑनलाइन बनवा सकते हैं। ठीक है, मात्र 24 घंटों में या 48 घंटों में, वो जिस तरह से आपसे बात होगा उसके अनुसार, वो जिस तरह का आपका स्टडी मटेरियल रहेगा वो देखने के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा जो कितने समय में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो उस पर, उस टॉपिक पर हम लोग बाद में जाएंगे। पहले हम लोग जानते हैं जो हमारा जो यह टीम है सन्नी कंप्यूटर के द्वारा, उसमें किस तरह के स्टडी मटेरियल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, प्रैक्टिस सेट, ये सभी जो है बनाए जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आप हमको मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, और हम लोग उसको कंप्यूटराइज टाइपिंग करके PDF में, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, जो जिस तरह से आपसे बात होगा उस अनुसार आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो आप बिहार से हो, UP से हो, झारखंड से हो, दिल्ली से हो, कोटा से हो, कहीं से भी हो, आप लोग स्टडी मटेरियल से संबंधित कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हमारा क्लास 6 to 12th का जो है सभी विषय का, चाहे वो आपका BSEB बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो, उन सभी का स्टडी मटेरियल जो है बनाया जाता है हमारे सन्नी कंप्यूटर के द्वारा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे जो किस तरह के स्टडी मटेरियल आप लोग अपने कोचिंग संस्थान के नाम से बनवा सकते हैं, वो अपने कोचिंग संस्थान के नाम और लोगों के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बनवा सकते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बनवा सकते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स बनवा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नोट्स बनवा सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में नोट्स बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है, वो अपना खुद का नोट्स बनाएंगे वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वहाँ से अगर नोट्स प्रोवाइड होता है तो बच्चों के लिए एक पैकेज धीरे धीरे तैयार हो जाता है, जिसको वो इकट्ठा करके लास्ट में फिर उसमें से अपना कुछ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार के, खास के बिहार के, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, तो बिहार के जितने भी हमारे कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सर हैं या जो भी हैं वहाँ के इंचार्ज हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग एक बार ज़रूर स्टडी मटेरियल बनवाएं, ताकि आप लोगों को पता चले जो हाँ इस तरह का कार्य भी मार्केट में किया जाता है ऑनलाइन माध्यम से, जो आप घर बैठे बनवा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टडी मटेरियल रहेगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको साइबर कैफे या कहीं भी जाके आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या बार बार, क्योंकि स्टडी मटेरियल में टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर कहीं भी एग्ज़ाम का डेट कोई सर बोल देते हैं जो नहीं कल एग्ज़ाम है, और कल के डेट में अगर आप अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं स्टडी मटेरियल, तो फिर समस्या आ जाता है। ठीक है, तो उससे बढ़िया है जो आप लोग मार्केट में जो भी स्टडी मटेरियल आते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि आती है बहुत सारे जगह से, क्योंकि हमने अभी तक सैकड़ों टीचरों के साथ, सैकड़ों संस्थाओं के साथ कार्य किया है। तो मेरा अपना जो अनुमान है वो यही है कि टाइमिंग का वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, खास के जो दूसरे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी लोग नहीं रखते हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे भाई हैं जो टाइमिंग का भी ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छी डिलीवरी करते हैं। ठीक है, टाइम पे, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ से उनको स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए समस्या आ जाती है। तो हमारे सन्नी कंप्यूटर के द्वारा जो है काफ़ी बेहतरीन नोट्स आप लोगों को देखने को मिलता है,
चाहे वो आप बिहार के किसी भी जिले से हो, पूर्वी चंपारण से हो, पश्चिमी चंपारण से हो, भागलपुर से हो, ठीक है, कहीं से भी हो, लखीसराय से हो, बेगूसराय से हो, जमुई से हो, नवादा से हो, पूर्णिया से हो, समस्तीपुर से हो, मुजफ्फरपुर से हैं या दरभंगा से हैं, कहीं से भी हो, बिहार के किसी भी राज्य से सॉरी जिले से हैं या बिहार के किसी भी ब्लॉक से हैं, किसी भी पंचायत से हैं या किसी भी गांव से हैं, खास के हमारे ग्रामीण जो भी भाई हैं टीचर, वो उनको समस्या आती है मार्केट नोट्स बनवाने में, जो किस तरह से हम बनवाएं, क्योंकि उन लोगों को इस तरह का साधन बहुत कम प्राप्त हुआ है अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो खास के हमारे बिहार में। तो ऐसे भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो लोग अपना एक बार जरूर बनवाएं, ताकि आप लोगों को पता चले जो किस तरह का स्टडी मटेरियल का कार्य किया जाता है, और टाइम पे आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा, जो भी आपका चार्ज रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज का समस्या भी आता है इसमें, बहुत सारे लोग कहते हैं सर चार्ज क्या है, तो चार्ज का वो आपका स्टडी मटेरियल देखने के बाद पता चलता है जो किस तरह का चार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है जो किस तरह का वर्क करना पड़ता है, उस पर समय देना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार होता है। ऐसे नहीं जो लिए उसको बना के दे दिए, उसमें कहाँ ईरर है, क्या त्रुटि है, वो चेक ही नहीं किए, तो ऐसा नहीं है। हमारे साथ पहले हम लोग स्टडी मटेरियल बना के देते हैं, फिर उसमें जो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन त्रुटि लगता है किसी भी कोचिंग संस्था को, तो फिर हम लोग उसमें उस त्रुटि को सुधार करके प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं है जो एक ही बार में देने के बाद हम लोग दोबारा उसमें करेक्शन नहीं करते हैं, त्रुटि को सुधार नहीं करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग त्रुटि सुधार करके फिर से प्रोवाइड करवाते हैं। तो जितने भी हमारे बिहार के हों, झारखंड के हों, यूपी के हों, दिल्ली के हों, कोटा के हों, जितने भी हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए भाई बंधु हैं, वो सभी एक बार जरूर कोशिश करें नोट्स बनवाने का, क्योंकि अच्छी शिक्षा अगर आप देंगे अपने संस्था में, तो बच्चे आपके पास खुद आएंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने जो आपका क्वालिटी है उसमें सुधार कीजिए, क्योंकि आप लोग क्वालिटी बेस्ड तो सारा चीज़ देते ही हैं, जो भी संस्था अपने स्तर से सक्षम होती है उपलब्ध करवाती है बच्चों को, लेकिन उससे और बेहतर किया जा सकता है, जिसका हम लोग को कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, वो सभी एक बार ज़रूर सन्नी कंप्यूटर में आके स्टडी मटेरियल बनवाने का कार्य करेंगे, ठीक है, ताकि पता चले जो किस तरह का कार्य सन्नी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9162247055, मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है, 9162247055। कभी भी जाएंगे, जब भी आप लोग कॉल करेंगे, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, डेमो देखने को मिलेगा, जो किस तरह का डेमो रहेगा, ठीक है, किस तरह का नोट्स स्टडी मटेरियल जो हमारा अभी तक प्रीवियस ईयर तक या अभी तक जो भी कार्य हुआ है, उसके अनुसार हम लोग आपको कुछ डेमो भी अवेलेबल करवाएंगे, जो इस तरह का आप बनवा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक हम लोग इस कार्य से लगभग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सैकड़ों संस्थाओं के साथ कार्य किया है हमने, बिहार के बहुत सारे जिले के कोचिंग संस्था हैं जिनके साथ हमने कार्य किया है। मैं धीरे धीरे सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो हमने किनके साथ कार्य किया है, नहीं किया है, किस तरह का कार्य किया है, किस तरह का उनका डिजाइनिंग है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो लोग कार्य करते हैं, वो सभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को, ताकि जो भाई अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी हमसे जुड़ सके और अपने कोचिंग संस्था को एक बेहतर ऊंचाई दे सके, ताकि आप जिस जगह पे भी कोचिंग चलाते हैं, वहाँ आप एक यूनिक कोचिंग संस्था के नाम से जाने जाएं, ठीक है, क्योंकि कोचिंग संस्था बहुत खुलते हैं, बंद होते हैं, तो ऐसे कार्य नहीं होता है, कोचिंग संस्था में आपको समर्पण सबसे पहले जरूरी है, ठीक है, और आप क्वालिटी बेस्ड अगर एजुकेशन देंगे तो बच्चे स्वाभाविक है आपके पास आएंगे, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी चाहते हैं जो हमें जिस संस्था में बेहतर शिक्षा मिलेगा हम लोग वहीं जाएंगे, तो आप लोगों
उससे यही मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग कम से कम अपने कोचिंग संस्थान में अपडेट जरूर रहिए, जो क्योंकि कोटा, दिल्ली वगैरह इन सब जगहों पे क्या होता है, ये सब शहरी क्षेत्र है, यहाँ हमेशा अपडेट, आज अगर क्लास हुआ तो आज के आज टेस्ट लिया जाता है, यानी 365 दिन में समझिए हमेशा टेस्ट ही होते रहता है, ठीक है, वो लोग का प्रैक्टिस चलते रहता है। लेकिन हमारे खास के बिहार में क्या होता है, जो यहाँ पढ़ाया तो जाता है लेकिन टेस्ट सीरीज का कोई प्रोसेस उस तरह का अभी तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, कुछ जगहों पे ये चीज़ अभी देखने को मिला है, बहुत अच्छे जगह वहाँ कार्य होता है, मैं उन सभी के बारे में बताऊँगा जिनके लिए मैंने कार्य भी किया है और वो लोग टॉप कोचिंग संस्थान है, ऐसा नहीं है। और मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के कोचिंग संस्थानों के लिए भी कार्य किया है जिनका घर से 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूरी तक कहीं भी स्टडी मटेरियल बनाने का साधन नहीं है, उनका हमने ऑनलाइन कार्य करके उनके संस्थान को एक बेहतर दिशा दी है। तो हमारे काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान वाले जो भाई हैं वो जानना चाह रहे थे जो किस तरह से हम लोग आपसे जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने मोबाइल नंबर बता ही दिया है, डिस्प्ले पे आप देख भी सकते हैं, आप लोग कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलेगा आप लोग को देखने के लिए, एकदम मिनिमम समय में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग का ऐसा नहीं है जो हम लोग एक दिन के लिए आपके साथ कार्य करेंगे या एक महीने के लिए, हम लोग लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़कर कार्य करेंगे और बेहतर कार्य करेंगे हम लोग साथ मिलके, और आपकी कोचिंग संस्था भी एक नई ऊंचाई पकड़ेगी, ठीक है, एक नई ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। तो आपसे भी आग्रह है कि अपने आप को अपडेट कीजिए, हमारे जितने भी गांव के जो हमारे रूरल एरिया के शिक्षण संस्थान हैं वो सभी पढ़ाते तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन फिर समस्या वहीं आती है, अगर आप टेस्ट सीरीज टाइम पे नहीं लेंगे तो बच्चे फिर उस जगह मूव करते हैं जहां उस तरह का उनको माहौल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के पास समय ज़्यादा नहीं होता है, चाहे वो कंपटीशन का तैयारी करें, ठीक है, या आप 6 to 12 का जो भी तैयारी करें, कुछ भी करें, आप लोग को साल भर, 6 महीना 2 साल इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। तो इसी समय के बीच में आप लोग जितना बेहतर हो सकता है उनको शिक्षा देने का कोशिश करें, टाइम टू टाइम हर चीज़ अपग्रेड रहने का कोशिश करें, बोले बच्चों को, ताकि आपका शिक्षण संस्थान भी बेहतर रहेगा, आपके लोगों के साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा, अगर बच्चे फिर कहीं जाएंगे तो वही स्टडी मटेरियल दूसरे जगह दिखाएंगे भी, वहाँ से भी आपको एक रेफरेंस मिलेगा, बच्चे वहाँ से भी आपके कोचिंग संस्थान में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन इसमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि काफ़ी सारे हमारे भाई बंधु अभी तक पूछ रहे थे जो किस तरह से सर हम लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे टीचर भाई हैं जो बोलते हैं सर हम लोग के लिए कुछ कार्य है क्या, तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई हैं, बहुत जल्द मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आऊँगा और उन्हें बताऊँगा जो किस तरह से आप कार्य कर सके, शिक्षण संस्थान से जुड़ के ही, ठीक है, आप और अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो हम लोग अपने अगले वीडियो में जरूर उस पर डिस्कस करेंगे, जो किस तरह से हमारे जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं टीचर भाई वो कैसे कमा सकते हैं और बेहतर, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो जाइए आप लोग एक बार इस नंबर पे जो डिस्प्ले पे दिख रहा है उस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानकारी लीजिए, डेमो देखिए, और बेहतर लगे तो आप लोग अपने संस्थान हमारे साथ जुड़कर, ठीक है, अपने संस्थान को भी और हमें भी एक मौका अवश्य दें, ताकि क्योंकि होता क्या है जो हमारे यहाँ खास के बिहार में जो है शिक्षण संस्थान बहुत सारे हैं, आप एक ढूंढिएगा 10 मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी बेस्ड जो भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं वो आपको 100 ढूंढी, एक ढूंढने में आपको ना 100 कोचिंग संस्थान ढूंढना पड़ेगा, तब जाके एक कोई बेटर कोचिंग संस्थान मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो कम से कम आप लोग अपग्रेड रहे, ताकि आपका कोचिंग संस्थान बेहतर स्थिति में रहे, बच्चे वहाँ आए और
आपका कोचिंग संस्थान अपने जो क्षेत्र है आपका, चाहे आप किसी भी पंचायत से हो, किसी भी जिले से हो, गांव से हो, ठीक है, किसी भी ब्लॉक से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितना मेहनत करेंगे, ठीक है, हम लोग पूर्णतः आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी हम लोग के टीम के द्वारा हो सकता है, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप लोग एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।